इसके एंड्स में, ओह शिट, लिपस्टिक लग गया क्या? और खाना भी शुरू कर दिया है और मुझे हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज का वीडियो एक डेकोर हॉल होने वाला है। आपको टाइटल देख के समझ में आ गया होगा कि किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से सामान नहीं मंगवाया है, इट वॉज लोकल मार्केट है, नवी मुंबई में ये जगह है। जब तक ये वीडियो अपलोड होगा तब तक ये मार्केट हट चुका होगा। पहले उस मार्केट का आप एक टूर ले लीजिए और उसके बाद मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मैंने वहाँ से क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं। ये आप सामने देख रहे हो मदर रोड हॉस्पिटल जो कि है कारगर में, विच इज़ इन नवी मुंबई, और ये सामने है उत्सव सर्कल। यहाँ से जब आप हीरानंदानी की तरफ बढ़ते हो तो लेफ्ट साइड में आता है मदर रोड हॉस्पिटल और राइट साइड में लगा हुआ था ये मार्केट। ओके, तो इस मार्केट में इंडिया के काफ़ी सारे स्टेट्स से वेंडर्स आए हुए थे। मार्केट काफ़ी छोटा था, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, बट जो भी थे बहुत जेन्युइन थे, यूनिक थे। जितने भी आर्टिफैक्ट्स, फर्नीचर, जो भी चीज़ें वो एग्जिबिट कर रहे थे वहाँ पे, वो सारी चीज़ें नेगोशिएबल थे। काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट आपको चीज़ों पर मिल रहा था, क्वालिटी चीज़ों की बहुत अच्छी थी। ये जो ब्रास के आइटम्स आप देख रहे हो इसमें भी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट आपको सब चीज़ों में मिल रहा था, फर्नीचर्स में भी। तो मुझे लगता है कि सब लॉकडाउन की वजह से भी है कि इतना ज़्यादा जो भी नेगोशिएशन है उसको एंटरटेन कर रहे थे ये लोग। तो यस, जब तक ये वीडियो अपलोड होगा आई डोंट नो ये मार्केट रहेगा या नहीं। आई थिंक ये 2nd of January तक ही ये मार्केट रहने वाला है, आई एम नॉट वेरी मच श्योर। सो यस, इट वॉज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द हॉल जिसमें मैंने आप लोगों को दिखाया है कि मैंने क्या क्या चीज़ें यहाँ से खरीदी हैं। ओके, तो मैं वन बाय वन आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ, बट इसमें से एक सामान जो मैं सबसे लास्ट में दिखाऊंगी वो ऐसा सामान है जिसको मैं हाथ में उठा के नहीं दिखा सकती, थोड़ा सा बड़ा सामान है वो, इसलिए तो वो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी। सो डू वॉच द वीडियो टिल दी एंड, वो स्क्रीन में आपको दिखता रहेगा प्राइस, जिन चीज़ों की मुझे प्राइस याद होंगी, और जिन चीज़ों के प्राइसेस मुझे याद नहीं है वो आपको मैं नहीं बता सकती हूँ। सो यस, चलते हैं अपने सबसे पहले प्रोडक्ट की तरफ जो कि है की होल्डर। ये आपको ऐसे दिख रहा होगा, ये इसमें ऐसा मॉम एंड डैड ऐसा लिखा हुआ है और यहाँ पे कीज़ हैंग करने के लिए, बट ये कलर मुझे काफ़ी ऐसा डल सा लग रहा है जो इसका पॉलिश का कलर है। सो मैं सोच रही हूँ अभी तो कि मैं शायद इसको पेंट कर दूँगी। जो अगली चीज़ मैंने ख़रीदी है वो है ये वुडन पेन। जो रिफ़िल है वो यहाँ से चेंज हो जाता है, इसलिए मुझे ये काफ़ी पसंद आया, तो ये शायद मैं अपने पापा को गिफ्ट कर दूँ। हिज हैंड राइटिंग इज़ वेरी गुड एंड ही इज़ अ वेरी फॉन्ड ऑफ पेन्स। तो नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो आई होप आप देखकर हंसोगे नहीं। तो जो भी एग्जीबिशन या मार्केट्स लगते हैं तो वहाँ पे जब भी मेला वेला लगता है तो जो भी वहाँ पे ये अचार और खाने की चीज़ें आती है वो मैं डेफिनेटली ख़रीदती हूँ, क्योंकि मैं और अश्विन भी बोथ आर फॉन्ड ऑफ सच थिंग्स। ये दो अचार खरीदे हैं, ये मिर्ची वाला है, बहुत कॉमन है, और ये आम वाला है। इसके अलावा ये दो पान खरीदे हैं मैंने। ये पान कैसा होता है, ये शायद बीटल जो लीफ होती है, जो पान का पत्ता होता है, उसको शायद ग्राइंड कर देते हैं और सारे मसालों में, जो भी मसाला आपको पान का पान में डलता है वो सारे मसाले डाल के ये उसको वैसे बनाते ताकि आप उसको घर में स्टोर कर सको। ये दूसरा वाला है, ये थोड़ा सा पिंक कलर का है, शायद इसमें गुलकंद वगैरह थोड़ा ज़्यादा डला हुआ है। सो ये मैंने खोल लिया है। ओके, नेक्स्ट इज़ ये ज़ाइलोफोन। ये हमने रिदम के लिए ख़रीदा है। कोई एक शॉप आपने देखा होगा, पूरा वुडन का शॉप था, तो सारी वहाँ पे वुड से बनी हुई चीज़ें मिल रही थी। बच्चों के लिए इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं प्ले करना, और वो जिस एज में हैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाती है साउंड्स के बारे में। मैं एक बार आपको इसके साउंड सुना देती हूँ। ऐसा इसके साथ एक और आया था, वो मुझे अभी नहीं मिल रहा है कहाँ है, बिकॉज जब से ये रिदम के हाथ में आया है। वहाँ पे आपने देखा होगा एक शॉप बर्तन का भी था,
दो मैंने खरीदे हैं, उसमें से एक है ये जो तड़का पैन है, ये प्रॉपर लोहे का बना हुआ है मटेरियल, मैं आपको बता नहीं सकते, आई विश यू कुड टच इट, आप छूकर बता दोगे कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की। और जो नेक्स्ट है वो है ये डोसा तवा, हाँ ये डोसा तवा, ये पूरा फ्लैट तवा है, डोसा तवा जैसा, जैसा जिस तरीके का डोसा तवा होना चाहिए, जो मेरे पास जो चपाती वाला तवा है वो मेरे पास है। और ऐसे डोसा तवा मैं बहुत टाइम से लेना चाहती थी, बट मैं चाहती थी कि पहले मैं सीख लूँ डोसा कैसे बनाते हैं प्रॉपर, जो क्रिस्पी वाले डोसा बनते हैं वो कैसे बनते हैं, एंड द क्वालिटी इज़ सुपर्ब सुपर्ब अमेजिंग। अब आते हैं दूसरी चीज़ की तरफ, जो कि है ये फैब्रिक्स, ये मैंने कुर्ती के लिए ये एक फैब्रिक लिया है। वैसे आप इसका चाहो तो ब्लाउज़ बनवा सकते हो, अगर ज़्यादा बड़ा आपको कुछ स्कर्ट जैसा बनाना है तो आप वो भी बना सकते हो। कॉटन का ये फैब्रिक है, मुझे काफ़ी पसंद आया, आई डोंट नो ये बनने के बाद कैसा लगेगा, बट मैं जहाँ तक इमेजिन कर पा रही हूँ इट विल लुक रियली गुड। ओके, जो नेक्स्ट चीज़ है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बाद दिस आपने देखा होगा, एक ग्रे कलर का रग है मेरे पास जो मैं अपने सेंटर टेबल के नीचे बिछाती हूँ, वो भी हैंड वोवन है, थोड़ा सा और हैवी है वो, बट ये जो चीज़ है ये भी हैंड वोवन है, एंड मैं क्या बताऊँ आपको, इसकी क्वालिटी इतनी प्यारी है, एंड द कलर कॉम्बिनेशन, वैसे तो बहुत से कलर कॉम्बिनेशन में थे उनके पास, बट दिस वन आई लव्ड इट, मेरे इंटीरियर के साथ ये काफ़ी अच्छे से जाता है इसलिए मैंने इस कलर में ख़रीदा है। इसके एंड्स में, ओह शिट, लिपस्टिक लग गया क्या, नहीं, उन्होंने कहा है कि आप इसको मशीन में वॉश कर सकते हो। एक चीज़ के लिए मैं कंसर्न हूँ वो ये है कि ये कलर्स जो है, आई होप कि ये कलर जाएंगे नहीं, या फिर होता है ना एक कपड़े से निकल के दूसरे कपड़े में, ऐसा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आई बी रियली डिसअपॉइंटेड। नेक्स्ट जो चीज़ मैंने ख़रीदी है वो है ये वुडन वॉल शेल्फ, ये आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, नॉट जस्ट लुक वाइज बट आप टच करोगे तो आपको पता चल जाएगा बहुत ही अच्छी क्वालिटी में बना हुआ है। पीछे की तरफ दो हुक्स दिए हुए हैं इन्होंने, इस तरीके से आप इसको वॉल में लगा सकते हो। मैं जब भी यूज़ करूँगी मैं आप लोगों से डेफिनेटली शेयर करूँगी कि ये कैसा लग रहा है। अगली चीज़ है वो मैं हाथ में उठा कर नहीं दिखा सकती हूँ इसलिए मैं उसका क्लिप यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। तो इस लिस्ट में मेरा सबसे फेवरेट जो कि है ये सॉलिड वुड साइड टेबल, इसमें ये ड्रॉर का स्टोरेज भी अवेलेबल है। इसके ऊपर जो आप ये टाइल की पेस्टिंग देख रहे हो इसकी वजह से ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, एंड यस द क्वालिटी आल्सो इज सुपर्ब। ओके, तो वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो बिल्कुल मत भूलिएगा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। और बहुत ही जल्दी मैं ये जो भी चीज़ें मैंने डेकोर से रिलेटेड खरीदी हैं मैं अपने लिविंग रूम का वापस से एक अपडेटेड सा मेकओवर करने वाली हूँ। लिविंग रूम जो आपने पहले लिविंग रूम मेकओवर वीडियो देखा हुआ है उसके कंपेरिजन में अब मेरा लिविंग रूम बहुत अलग दिखता है, बहुत सारे चेंजेस ऑलरेडी कर दिए हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। आई जस्ट होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो रैपअप करती हूँ, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।